एमएलए रमेश कदम की मदद के आरोप में पीएसआई बर्खास्त। एनसीपी के पूर्व विधायक रमेश कदम को मदद करने वाले 5 पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कदम के साथ बतौर पुलिस कॉट रहे पीएसआई को नौकरी से बर्खास्त किया गया है, साथ ही 4 कांस्टेबल को भी निलंबित कर दिया गया है, जिन पर कार्रवाई भी की जा रही है। उनमें पीएसआई रोहिदास पवार, कांस्टेबल दिलीप चौहान, दत्तू खेताड़ी, उत्तम कामले तथा विकास गायकवाड़ शामिल है। गौरतलब है कि कदम अनाभाव साटे महामंडल में हुए भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे और तभी से थाने जेल में बंद है। शुक्रवार को कदम को मेडिकल चेकअप के लिए मुंबई के जेजे अस्पताल में ले जाया गया था। शाम को वापसी के दौरान कदम पुलिस कर्मियों के साथ निजी कंपनी की कैब में थाने आए थे। कदम ने पुलिस कर्मियों को बताया था कि उन्हें अपने दोस्तों से देसी दवा लेनी है और वे सभी के साथ गोड़बंदर रोड स्थित पुष्पांजलि रेसिडेंसी बिल्डिंग पहुंचे थे। उसी समय थाने पुलिस के अपराध शाखा यूनिट ने छापा मारा था और इमारत के पार्किंग में रहे कदम व राजू खरे के पास से 53.46 लाख की नकदी जब्त की गई थी। डिप्यूटी की लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ छानबीन शुरू की गई थी। जांच में सभी को दोषी पाया गया और शनिवार देर रात सभी के खिलाफ कार्रवाई की गई।